हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्रिकेट विद विशाल में। आज मैं तीन वर्कआउट लेके आया हूँ सभी बैट्समैन के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैट्समैन को वर्कआउट क्यों ज़रूरी होता है? अगर आपको बिग हिटिंग करनी है, सिक्सेस मारने हैं, तो आपके बॉडी में पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अगर आपको 50 ओवर या 5 दिन के मैचेस खेलने हैं, तो आपके पास पावर होनी चाहिए। बिना पावर के आप इतना नहीं खेल सकते। आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। वो आएगी स्ट्रेंथ कहाँ से? जब आप वर्कआउट करोगे। धीरे धीरे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तीन वर्कआउट बता रहा हूँ जो बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो को आप पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी बैट्समैन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पहला वर्कआउट बता रहा हूँ। पहले वर्कआउट से पहले मैं आपको बता दूँ, वार्म अप कोई भी आप वर्कआउट करोगे, वार्म अप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्म अप करना मत भूले किसी भी वर्कआउट से पहले। आई बटन पर लिंक है, आप वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने वार्म अप के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहला वर्कआउट फोर आर्म्स का वर्कआउट सभी बैट्समैन के लिए बहुत जरूरी है। फोर आर्म्स में आपके पावर होगी तो आप अच्छे से बैट उठा सकते हैं और लिफ्टें मार सकते हैं अच्छे से। और आप घर में भी कर सकते हैं, जो मैं आपको वर्कआउट बता रहा हूँ आप सभी घर में भी कर सकते हैं। जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है सभी के लिए। आप घर से बाहर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए ये आप छत पर कर सकते हैं, पार्क में कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मौका मिले कर सकते हैं। पहले वर्कआउट के लिए आपको ईट, आप बिगनर हैं तो आप हाफ ले सकते हैं ईट का। तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। पहला आपको सिंपल हाथ में पकड़ना है, जैसे पकड़ते हो, और फोर आर्म्स के लिए आपको ये रोल करना है ऐसे। आप पोजीशन देख सकते हैं, आपको ऐसे करना है, सीधा हाथ अभी सीधे हैं, फिर उल्टे हो गए, देखो सीधे उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, ये आपका पंप हो जाएगा पूरा फोर आर्म्स। ये आप 30-30 के 3 रिपीटेशन करें, बाद में आप बढ़ा सकते हैं, 50-60 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि ये अभी इतना वेट नहीं है, बिगिनर आप धीरे धीरे बढ़ाओ। तो बहुत, अगर आप थोड़ा एडवांस लेवल जाना चाहते हैं तो आप ईंट से भी कर सकते हैं, या आपको कुछ वेट मिलेगा आप उससे भी कर सकते हैं। ये घर की एक्सरसाइज बता रहा हूँ आपको, कहीं जिम जाने की जरूरत नहीं है अभी लॉकडाउन में। तो अभी मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ उसके लिए आपको एक प्लेस चाहिए रखने के लिए, हाथ रखने के लिए। तो अभी मेरे पास बाइक है, मैं बाइक पे आपको रख के बताता हूँ कैसे। मैं बाइक पे आपको करके दिखा रहा हूँ, आप अपने घर में कैसे भी एडजस्ट करके कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए तरीका करने का, देख लीजिए आपको क्या करना है। आपको पोजिशन अपना फोर आर्म्स ये वाला यहाँ तक ढीला होना चाहिए, आप साइड में देख सकते हैं, इधर आप साइड से देख सकते हैं, इसमें प्लेस होनी चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए पूरा, आपका कोने तक ऐसे रखना होना चाहिए। और ये आपको नीचे लूज छोड़ना है हाथ, फिर उठाना है वेट से, पूरा आपका फोर आर्म पंप हो जाएगा। नीचे करना है फिर उठाना है, नीचे करना है फिर उठाना है। ये भी आप 20-20 रेपिटेशन करें, 3 सेट करें दोनों हाथ के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका अच्छे से पंप हो जाएगा, नीचे छोड़ के ऊपर उठाना है पूरा, ये भी बहुत अच्छा है। जैसे भी मैं आपको बाइक पे करके दिखा रहा हूँ, आप भी कहीं कर सकते हैं। वर्कआउट के लिए कोई भी जरूरी नहीं है, कोई आपको प्लेस चाहिए या वो चाहिए, आपको मन होना चाहिए, आप कहीं भी कर सकते हैं। मेरा बताने का मन है, मैं आपको कहीं भी बता रहा हूँ, तो आप भी ऐसा आपका करने का मन होना चाहिए। आपको अगर खेलना है, आपको स्ट्रेंथ चाहिए अपने अंदर, तो आप कहीं भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अब दूसरा वर्कआउट बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा वर्कआउट मैं आपको लेग्स के बारे में बता रहा हूँ, जो सभी बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बैट्समैन को रनिंग करनी पड़ती है। आपको 5 दिन खेलना है, आपको 100 मारना है, तो बीच में रनिंग बिटवीन आपको करना पड़ेगा। आपको फ्रंट फुट आना पड़ता है, बैक फुट आना पड़ता है, मतलब लेग्स का बहुत ज़्यादा काम है सभी बैट्समैन के लिए। तो मैं आपको दो बताऊंगा लेग्स के लिए भी, तो ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए पोजीशन, आपको स्क्वैट्स की पोजीशन में बैठना है। स्क्वैट्स की पोजीशन देख लिया, आपको कैसे बैठना है, आपको ऐसे बैठना है और जंप करना है। फिर बैलेंस के लिए जंप बहुत जरूरी है, आपके लेग्स में पावर आएगी बहुत। आपको स्क्वैट की पोजीशन बैठना है और फिर जंप करना है, फिर इस पोजीशन में फिर जंप करना है, देख लीजिए आप इस पोजीशन में, और जंप, फिर बैठना है फिर जंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए। आप इसे 10, जैसे मैंने अभी 3 जंप किया है, 3 जंप किया भी, ऐसे आपको 10 जंप करना है आगे, इसके 3 सेट करने हैं, 10 जंप के 3, फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, आपके लेग्स में बहुत पावर आ जाएगी इससे। आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस के लिए, लेग के लिए। आपको फ्रंट फुट आगे निकालना पड़ता है, पीछे लाना पड़ता है, बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। आपको वन लेग पे जंप करना है, देखो कैसे करना है। आपको सिंपल एक लेग पे रहना है, थोड़ा डाउन रहना है, आपको ग्लूट थोड़े पीछे की साइड डाउन रखने हैं ऐसे, और एक पैर ऐसे रहेगा, और फिर ये आपको बैलेंस करना है इसको सिंपल ऐसे। जितना हो सके आपको ग्लूट्स नीचे की साइड बैंड करने हैं, ये पोजीशन आपका घुटना आगे नहीं जाएगा ऐसे, ये पोजीशन में रहना, आपके कमर सीधी रहेगी। दोनों लेग्स के लिए बहुत ही बढ़िया है, आपका बहुत अच्छा बैलेंस बनेगा इससे। आप 15 डेज करें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे, करके देखें, बहुत ही अच्छा बैलेंस है। जैसे मैंने आपको लेग का बताया और फोर आर्म्स का बताया, ऐसी आपकी कोर, आपकी कोर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए सभी बैट्समैन के लिए, क्योंकि हमारी पावर ना पूरी बॉडी की कोर से लगती है, जो हमारा ये वाला हिस्सा होता है, हमारा जिसको पेट बोलते हैं आप, वो कोर,
जैसे आपकी लेग्स में पावर होनी चाहिए, हैंड में पावर होनी चाहिए, ऐसे आपकी कोर में पावर भी होनी चाहिए। तो कोर के लिए मैं आपको दो बताऊंगा। कोर के लिए भी एक आपको प्लैंक करना है सिंपल, मैंने पहले बताया प्लैंक बहुत सिंपल है और बहुत ही इफेक्टिव है, आपकी पूरी बॉडी में बहुत स्ट्रेंथ आएगी। आप पोजिशन देख लो एक बार फिर, पोजिशन क्या है आप पोजिशन देख लो इसकी, ये आपको पोजिशन, आपको ज्यादा ऊपर नहीं रहना है, आपकी ऐसे ही पोजीशन रहनी चाहिए, सिंपल पोजीशन रहनी है। आपको 30 सेकंड 1 मिनट से स्टार्ट करना है और आपको टाइम बढ़ाना है इसका भी। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पावर आ जाएगी इससे, पूरी बॉडी पावर के लिए, कोर भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा बता रहा हूँ कोर के लिए, आपको प्लैंक वाली पोजीशन में रहना है, जैसे अभी मैंने आपको प्लैंक बताया उसी पोजीशन में रहना है, और आपको एक हैंड से पंच करना है, आपका पूरा बॉडी वेट एक हैंड पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ है, आपका हैंड में भी और कोर में भी दोनों में पावर आएगी। आपको ऐसे पंच करना है सीधा ऐसे, ये दोनों कोर के लिए बहुत ही अच्छे वर्कआउट है, आप कहीं भी परफॉर्म कर सकते हैं जहां भी आपको मौका मिले। आप कभी वर्कआउट करते हुए ये मत सोचे कि मैं यहाँ घर में नहीं कर सकता या मैं पार्क में नहीं कर सकता, आप कहीं भी कर सकते हैं, मैंने आपको ऐसे वर्कआउट बताए। और सभी वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्ट्रेंथ नेक्स्ट लेवल हो जाएगी अगर आप धीरे धीरे परफॉर्म करेंगे। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए वर्कआउट से, बैट्समैन के वर्कआउट अगर और जानने हैं आपको, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें, मोटिवेशन मिलता है।